अपन सहेलिया मेन बैठी मेरे को एक वक्त था कि स्टेज को बहुत ही मुकदस तस्वर किया जाता था यहाँ पर काम करने वाले फ़नकार खौफ खुदा रखने वाले नेक दिल और बाकिरदार हुआ करते थे गो के ये काम उनके लिए इबादत से कम नहीं था स्टेज की दुनिया से ऐसे ऐसे फ़नकार भी गुजरे हैं कि इनका किरदार सब के लिए बायस कामयाबी बना दूसरी तरफ नाजरीन भी आला झरफ़ हुआ करते थे बड़े बड़े दानश्वर स्टेज ड्रामा देखने के लिए जाया करते थे और फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन तफरी स्टेज ड्रामा हुआ करता था हर स्टेज ड्रामे में एक सबक पोशीदा था लेकिन वक्त के साथ साथ एक नासूर को पूरे स्टेज ने अपनी लपेट में ले लिया और ये नासूर फैश और नाजेबा डांस था और इसका सबब कुछ ऐसी अदाकाराएं बनीं जिनमें बेशतर गरीब घरानों से आई थीं और बहुत ही मासूम और भोली भाली थीं लेकिन उन्हें अयाशी और दौलत की ऐसी लत लगी कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी इस अंधेपन में उन्होंने स्टेज को तैस नस करके रख दिया यहाँ तक कि शरीफों की जबान पर स्टेज ड्रामा का नाम आना भी बायस शर्मिंदगी बन गया नाजरीन में दानिशवरों की जगह शराबियों और तमाशबीनों ने ले ली जो नाजेबा जोमेनी जुमलों और फैश डांस से अपनी हवस की तस्किन करने लगे इन अदाकाराओं ने शर्मो हया की तमाम हदें पार कर दी कुछ लोग नरगिस को स्टेज पर रक्स लाने की जिम्मेदार ठहराते हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं कि नरगिस और उनकी बहन दीदार ने रक्स किया मगर यह हकीकत है कि बाद में आने वाली अदाकराओं ने रक्स को फाशी की जानब धकेल दिया आज की वीडियो में हम इन्हीं अदाकराओं का जिक्र करेंगे जो स्टेज पर फैश और नाजेबा डांस का जरिया बनी नंबर एक आफरीन खान आफरीन स्टेज की इंतहाई फैश और नाज़ेबा रक्का है उन्होंने बेपर्दगी की तमाम हदें पार कर रखी हैं ऐसी बेहयाई और बेपरदगी शायद इंडियन ड्रामों और फिल्मों में भी ना हो जितनी फाहाशी आफरीन खान स्टेज पर दिखाती हैं आफरीन खान ने अपने जिसम की नुमाइश से दौलत और शोहरत हासिल की लेकिन वो स्टेज के लिए एक धब्बे से कम नहीं है आफरीन ने ओकाड़ा से अपने करियर का आगाज किया ओकाड़ा में उन्हें बहुत ही मकबूलियत मिली ओकाड़ा के बाद उन्होंने लाहौर का रुख किया था लाहौर ने उन्हें बेपनाह दौलत से नवाजा आज वो एक पुरसायश ज़िंदगी गुजार रही हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हैं और पुरसायश बंगले उनका मस्कन है लेकिन स्टेज ने उन्हें नवाजा आज आफरीन खान ने उसे ही गंदा कर दिया आफरीन खान स्टेज के अलावा सोशल मीडिया पर भी अपनी नाजेबा हरकत से जानी जाती हैं वो फेसबुक लाइव पर नाज्रीन के सामने ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं कि बंदा कानों को हाथ लगाए आफरीन खान स्टेज से बैन हो चुकी हैं लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें फिर से स्टेज की जीनत बना देते हैं उनका शुमार ऐसी रकाशाओं में होता है जिनके बेशुमार आशिक हैं इन्हें कई दीवान तोहफे भेजते हैं और वो दिल खोल कर सब कबूल करती हैं नंबर दो सैमा खान स्टेज पर फाशी का दस्ते बनने वाली रक्साओं में सैमा खान भी शामिल हैं सायमा खान को स्टेज का सबसे मुतनाज़ा नाम करार दिया जाता है उन्होंने बेहयाई और बेपर्दगी की तमाम हदें पार कर रखी हैं सैमा खान वह अदाकारा हैं जो वेशत और हवस में अपनी इस हद तक पहुंच गई हैं कि उन्होंने स्टेज पर रक़ करते हुए अपनी कमीज़ ही उतार दी थी उसके बाद उन्हें कई महीनों के लिए स्टेज से बैन कर दिया गया था लेकिन वह इस कदर ताकतवर हैं कि कुछ ही दिनों पर स्टेज पर फिर से जलवे बिखेरने लगी हैरानी की बात यह है कि सामा खान बहुत ही पढ़ी लिखी खातून हैं वो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं सामा खान शायलकोट में पैदा हुई थीं वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की और फिर पुलिस में नौकरी इख्तियार कर ली कुछ अरसे तक वो पुलिस में नौकरी करती रहीं लेकिन फिर इस्तीफ़ा देकर लाहौर आ गईं जहाँ उन्होंने स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया साममा खान ने स्टेज से बेपनाह दौलत कमाई मगर किरदार बनाने में नाकाम रहीं आजकल वो स्टेज को खैर आबाद कह चुकी हैं नंबर तीन निदा चौधरी एक नहायती गरीब घरने से ताल्लुक रखने वाली मासूम लड़की निदा चौधरी भी आज इस नहज पर पहुंच चुकी हैं कि उन्हें स्टेज की इंतहाई फैश रकाशाओं में शुमार किया जाता है उन्होंने अपनी गंदी जुगतों और रक्स में नाजेबा हरकतों से बेपनाह शहरत हासिल कर रखी है निदा चौधरी के माजी और हाल में जमीन आसमान का फर्क है वो लाहौर की एक इंतहाई मासूम लड़की थी वो गरीब जरूर थी मगर इज्जतदार थीं वो ऐसी बहादुर और दिलेर लड़की थी जिसने अपने वालिद की बीमारी का सामना किया और अपने घर वालों की किफालत के लिए घर से निकली उनके इरादे तो अच्छे थे लेकिन न जाने वो इस स्टिगर पर क्यों कर और कैसे चल पड़ी एक वक्त था कि निरा चौधरी कभी पैदल और कभी रक्षे पर ड्रामा करने के लिए जाया करती थी लेकिन आज वो बेशकीमती गाड़ियों की मालिक हैं और करोड़ों के घर में रहती हैं इस वक्त निदा चौधरी स्टेज की अमीर तरीन अदाकाराओं में शुमार की जाती हैं जो लाखों रुपए के कपड़े पहनती हैं सजाए, गार्ड्स के में उनकी जहरी शान शौकत देखने वालों को शहर में मुबतला कर देती है एक तरफ निदा चौधरी जोमानी हवस प्रस जुमलों का बेदरे इस्तेमाल करती हैं और दूसरी तरफ रकस के दौरान शायक के जोश जज्बे को उभारने के लिए बेहूदा डांस करती हैं शायद यही वजह है प्रोड्यूसर उन्हें एक ड्रामा करने के लाखों रुपए मुआवजा देते हैं बल्कि हर एक प्रोड्यूसर ज्यादा कीमत पर उन्हें अपने ड्रामा में कास्ट करना चाहता है एक वक्त था कि निदा चौधरी आजाद पंछी हुआ करती थी वो ना ही किसी के तोहफे कबूल करती थी और ना ही मुआशकों पर तवज्जो देती थी लेकिन आज की निधा चौधरी दीवानों के तोहफे भी कबूल करती हैं और आशकों की अर्जियां भी नंबर चार मैर जान मेहर इन रखाओं में शामिल हैं जिन्होंने स्टेज पर फाशी और उरियानी फैलाई मेहर का शुमार स्टेज की टॉप रेटेड डांसर में होता है स्टेज पर उन्होंने ज्यादातर वक्त अंजुमन शहजादी के साथ गुजारा लेकिन उनकी मौत के बाद ये जोड़ी टूट गई मेहर ने स्टेज के अलावा दीगर मीडिया के जरिए भी अपनी शोहरत के झंडे गाड़े हैं उन्होंने जिसम दिखाओ के नाम पर एक सीडी बनाई जिसमें उन्होंने इंतहाई कम कपड़ों में हवस परस्त डांस किया था लेकिन देखने वालों पर हद है कि के इस केसर्ट की तीन मिलियन कापियाँ फरोख्त हुई महर जान ने बहुत कम अरसे में अपनी जगह बनाई लेकिन ज्यादा अरसा तक टिक न सकी और स्टेज से गायब हो गई आज कोई नहीं जानता कि मेहर जान कहाँ हैं और क्या करती हैं नंबर पाँच खुशबू फाशी और रियानी की रिवायत को आज मारूफ अदाकारा खुशबू आगे लेकर बढ़ रही हैं खुशबू इस वक्त स्टेज की हाइस्ट पेड अदाकारा हैं उनका ड्रामा देखने के लिए शायक बड़ी मुसाफत तय करके आते हैं और महंगा महंगा टिकट खरीद कर पहली लाइन में बैठ कर ड्रामा देखते हैं ताकि खुशबू को करीब से देख सकें सोशल मीडिया पर इनके ड्रामों की रिकॉर्ड रेटिंग आती है नासिर चनेटी और जफरी खान के साथ उनके जो मानी और अखलाकियात से आरी जुमलों को बहुत पसंद किया जाता है जिसमें हवस के जज्बात को बर रास्त उभारा जाता है जुगतों के अलावा खुशबू बेहूदा डांस भी करती हैं खुशबू ने फिल्मों में अपने करियर का आगाज किया था काफ़ी मशहूर फिल्मों में उन्होंने काम किया लेकिन वो सफ़े अव्वल की अदाकारा नहीं बन सकें फिल्मों के बाद उन्होंने अपने ख्वाब पूरे करने के लिए इस्टेज का रुख किया स्टेज ने उन्हें सोच से भी ज़्यादा नवाजा इनके तमाम ख्वाब पूरे हुए खुशबू ने स्टेज से खूब दौलत कमाई इनका शुमार अमीर तरीन अदाकाराओं में होता है खुशबू ने बेशुमार ड्रामों में काम किया वो एक ड्रामे के लिए दस लाख से जायद का मुआवजा वसूल करती हैं खुशबू अलफला थिएटर में काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं जो लाहौर का मकबूल तरीन थिएटर है खुशबू ने मरूफ अदाकारार अरबाज खान से शादी की है अरबाज खान टीवी और ड्रामा के मरूफ अदाकार हैं और आजकल पश्तो फिल्मों में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं दोनों की पसंद की शादी थी घर वालों ने दोनों की मुखालफ की मगर दोनों जिद पर अड़े रहे और शादी की शादी के बाद अरबाज खान ने खुशबू को ड्रामा में काम करने से मना नहीं किया और वो अब भी स्टेज पर काम कर रही हैं। खुशबू और अरबाज खान को अल्लाह त औलाद की दौलत से भी नवाजा है जिसकी पहली सालगिर धूम से मनाई गई चाहे स्टेज समेत कई अदाकारों ने शिरकत की और खूब गुला किया सालगिरह पर इफ्तार ठाकुर और वसीम विक्की का ढांस भी बहुत मकबूल हुआ था उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें शुक्रिया